फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप लोग सब घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं अभी नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। 11 बज चुके हैं मॉर्निंग का और मैं अभी जाकर लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जैकफ्रूट का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहे। और अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए किचन में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर पे मैंने दाल बना के रख दिया है और इधर पे मैंने ये भी काट के धो के रख दिया है। इसका फ्राई बनेगा। इसमें है बीन्स और लेडीज फिंगर और प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जैकफ्रूट का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे जैकफ्रूट भी बॉईल कर चुकी हूँ मैं। और साथ में है ना, ये है आम। आम को बॉईल करके और इसको मैश करके रखा हुआ है, तो इसका एक चटनी बनेगा ये दाल के साथ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आम का खट्टा चटनी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। और जब कढ़ाई गर्म हो जाती है तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। सरसों का तेल डाला है मैंने। और जब तेल गर्म हो जाती है तो मैं इसमें पीला सरसों और रेड चिलीज डाल देती हूँ। जब सरसों चटक जाती है ना, तब मैं इसमें आम भी मिला देती हूँ। बहुत ईजी है, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ आप। और फिर मिक्स करने के बाद मैं इसमें दो ग्रीन चिली डाल देती हूँ। ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, ये स्किप भी कर सकते हैं आप। और फिर ये देखिए, इसमें अभी थोड़ा हल्दी और नमक मिला के मैं फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बन जाता है और दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया है, तो मैं अभी इसे उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्राई बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने तेल गरम होने के बाद इसमें मैं जो बीन्स और लेडीज फिंगर है ना, वो एक ही साथ डाल देती हूँ। और इसका रेसिपी तो सबको आता ही होगा, क्योंकि ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं है और इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने सब्जी छोड़ के और अभी हल्दी मिला दिया है। और मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा फ्राई बनाए ना, तो नमक ना थोड़ा देर बाद डालिए, जब ये 80% कुक हो जाए। ये देखिए, ये अभी लगभग 80% कुक हो चुका है, तो मैं अभी नमक मिला रही हूँ। ऐसा करने से ना ये बहुत खिला खिला बनते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसे उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कटहल का सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने गरम कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अभी मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। आलू और कटहल को ना पहले फ्राई करना पड़ता है। आलू और कटहल मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है, तो फ्राई जल्दी से हो जाएगा। इधर पे कटहल बन रही है और इस चूल्हे पे ना मैंने चाय चढ़ा दिया है।
पापा अभी घर पे आए हैं तो उनके लिए चाय और ये भी थोड़ा पी लूँगी, मुझे भी चाय बहुत पसंद है। चुका है, अभी मैं इसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा तेल ऐड कर लेती हूँ और जब तेल गर्म हो जाती है ना तब मैं इसमें मिला देती हूँ सूखा मिर्च और तेज़पत्ता और इसे थोड़ा देर भूनने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। इन तीनों चीज़ों को तब तक भूनना है जब तक ये प्याज ना थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अभी इसमें हम लोग पेस्ट किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। पेस्ट में है जिंजर और ग्रीन चिल्ली और हम लोग इसे अभी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा देर पकाएंगे और मसाला पक जाने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्दी और जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसी स्टेज में ना मैंने चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर भी मिलाया था लेकिन वो क्लिप मेरे हाथ से डिलीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स सारे मसाले अभी ऐड करके थोड़ा देर पकाना है और जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देती तब पकाते रहना है। और ये देखिए अभी तेल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे कटहल और आलू और इसे फिर से एक दो मिनट के लिए पकाएंगे और जब थोड़ा देर पक जाए तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। मैं इधर पे नॉर्मल वाटर ऐड कर रही हूँ, अगर आप वार्म वाटर डालना चाहे तो आप वार्म वाटर भी डाल सकते हैं। अभी कुछ देर तक जब तक पानी उबाल नहीं जाता तब तक इसे पकाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स अभी पानी उबाल चुका है, तो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला और इसे और एक उबाल तक इसे पकाएंगे और पकाने के बाद हमारा सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स अभी फिर से उबाल आ चुका है, इसका मतलब हमारा सब्जी पक चुका है और अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा रेसिपी, राइस है ये और साथ में फ्राई लेडीज फिंगर और बीन्स का और आम का चटनी, कटहल की सब्जी और दाल। तो यही है आज का हमारा लंच मेन्यू, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रही है रात के 9 बजे, मैंने फिर से फ्रेश होके अपना ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है और अभी हम लोग सेकंड फ्लोर में है ना और हमारा ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, छत है डायरेक्ट, तो इसलिए बहुत गर्म है और आसपास में ना कोई भी ट्रीज पेड़ सब नहीं है, बहुत गर्म हो रहा है और इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और हम लोग अभी बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। और ये देखिए मेरा मम्मी ना
अपना हाथ सेक रही है क्योंकि मम्मी का ना हाथ में दर्द है और बहुत दर्द होता है, तो दवाई भी ले रहा है वो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर गर्म पानी में थोड़ा सेकने से थोड़ा देर के लिए तो आराम मिलता है इसीलिए। और अभी हम लोगों का घर में एक नया सामान बन रहा था तो ये बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामान इतना देर से बन रहा था, कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना अच्छा बना है। ये कपड़ा नया है और पहले का थोड़ा ना रुई था उससे मिला के कॉटन इसमें डाल के ये बना हुआ है। ये कपड़ा भी पहले से ही घर में था, ये देखिए। अभी फ़िलहाल इसका कवर बन रहा है और ये देखिए, ये बहुत पुराना मशीन है, बहुत पुराना है और अभी तक ये अच्छा सर्विस दे रहा है, बहुत पुराना है। देखिए कलर सब चला गया है मशीन का लेकिन फिर भी ये चल रहा है। और ये देखिए कवर भी लगभग बन चुका है। बना रहे हैं, बहुत गर्मी है ना इसलिए मुझे तो किचन में जाने का ही मन नहीं था और मम्मी का भी तबीयत आज इतना ठीक नहीं है इसीलिए। और बाद में देखते हैं, थोड़ा पापड़ फ्राई कर लेंगे और दोपहर का सब्जी सब बचा हुआ है वो सब भी हम लोग आज खा लेंगे। और ये देखिए मम्मी अभी सोया हुआ है, मम्मी का ना अभी पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है पेट में क्योंकि दो तीन दिन से ना उसका थोड़ा गैस्ट्रिक पेन हो रहा है तो दवाई ले रही है वो। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मम्मी ने ये पापड़ बना लिया है और यहाँ पे है कुकुम्बर और दोपहर के जो सब्जी बनी थी ना उसी से ही हम लोग आज डिनर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।